सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इन तीन लक्षणों वाली कन्याएं या स्त्रियां बहुत भाग्यशाली होती है। ये जिस घर में रहती है वहाँ धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती है। ऐसी महिलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप होती है और आप दूर से देखकर भी इन लक्षणों को पहचान सकते हैं। ये तीन लक्षण हैं। एक, सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली कन्याओं को मंगलकारी माना गया है। जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है वे ऐश्वर्यशालिनी होती है और इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते इनके पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती है। दो, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वे बहुत भाग्यशाली होती है। इन्हें जीवन में प्रत्येक सुख सुविधा मिलती है। ये जिस घर में जाती है वहाँ धन खिंचा चला आता है। इसके विपरीत माता से मिलने वाला पुरुष भाग्यशाली होता है। तीन, सामुद्रिक शास्त्र व भविष्य पुराण के अनुसार ऊंचे सुडोल व बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां सौभाग्यशालिनी होती है। इनके सुडोल वक्ष स्थल धन समृद्धि व सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां पति के लिए एक तरह से तारणहार होती है और इनकी होने वाली संतान भी ज्यादा बेहतर व सफल होती है। तो आज के लिए इतना ही, परंतु अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रत्येक कन्या प्रत्येक महिला माता लक्ष्मी का ही रूप होती है। भगवान ने हर इंसान में एक न एक खूबी जरूर डाली है। प्रत्येक स्त्री प्रत्येक पुरुष अपने आप में खास होता है। तो उम्मीद है आपको मेरी नॉलेज पसंद आएगी। स्वस्थ रहें, सफल बने। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।